दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में पैसा कहाँ और कैसे छपता है और मनी स्पेकुलेशन क्या होता है। दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी आया होगा कि दुनिया में अगर हर सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है तो वह अनलिमिटेड पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा होगा तो क्या होगा, सब अमीर हो जाएंगे, किसी के पास पैसे की कमी नहीं हो रहेगी, कोई गरीब नहीं बचेगा तथा सब अपनी ज़रूरत के कामों को आसानी से पूरा कर लेंगे। यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु या किसी चीज़ की अधिकता होने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो सोचिए अगर पैसे को अनलिमिटेड छापेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आज हम इसी सवाल को समझेंगे। इससे पहले आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि किसी भी देश के उत्पादन करने की क्षमता की कितने गुड्स हैं उसके पास और कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है उस देश की जनता। तो इन्हीं गुड्स और सर्विस के आधार पर ही किसी देश की सरकार पैसे छापती है। गुड्स मतलब दालें तथा खाद्यान्न की वस्तुएं, जबकि सर्विस मतलब डॉक्टर इंजीनियर आदि। किसी देश में उत्पन्न होने वाले गुड्स एंड सर्विस की कीमत बराबर देश की मौजूद मुद्रा होती है। इसे दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं कि देश एक बहुत बड़ा बाजार है तथा उस बाजार के गुड्स को खरीदने के लिए जिन टोकन का यूज़ करते हैं उसे ही हम करेंसी कहते हैं। अगर करेंसी की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस देश के गुड्स और सर्विस में तो वृद्धि नहीं हो सकती ना, तो होगा यह कि पैसे ज़्यादा होगा तथा चीज़ें कम, तो उस गुड्स की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तथा फिर महंगाई भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए दोस्तों 10 लोग हैं जिन सबके पास में 100-100 रुपए है और उस टाइम कोई लिमिटेड गुड्स 500 रुपए में मिल रहा था। अब सबको नोट छापकर 1000 रुपए दे दिए हैं, तो सोचिए वृद्धि तो पैसों में हुई है, गुड्स तो वही है, तो फिर गुड्स की प्राइस तो बढ़ेगी ही। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दोस्तों ये सोचना कि अधिक पैसे छापने से गरीबी मिट सकती है ये गलत है, और यही गलती जिम्बाब्वे और जर्मनी ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तथा उसने कई सारे देशों से बहुत सारा कर्ज ले लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अनलिमिटेड पैसे छापे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को एक छोटा सा ब्रेड खरीदने के लिए भी बहुत सारे पैसों को चुकाना पड़ता था। तो दोस्तों एक कुछ छोटा सा सामान खरीदने के लिए लोगों को बोझा भरकर ले जानी पड़ती थी। जिम्बाब्वे में भी यही करेंसी का डिवेल्यूएशन होने से वहां अभी एक $1 की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जितनी ज़्यादा मनी छापेंगे उतनी ही महंगाई भी बढ़ेगी। करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है। दोस्तों कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, किसी भी देश में कितने पैसे छापेंगे या उस देश की सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोष घनत्व तथा विकास दर जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है। और दोस्तों भारत में यह RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पैसा कहाँ छपता है और इसका पेपर कहाँ से आता है। भारतीय पैसों का पेपर 4 देशों, अमेरिका का पोर्टल, फ्रांस का अर्जो वेगिस, स्वीडन तथा ल्यूसेंथेंस पेपर फैमिली में छपता है। हमारे देश में पैसा बनाने की मशीन MP के देवास, मैसूर, सालबोनी तथा चौथा नासिक में हैं। देवास में शाही और 10, 50 तथा 500 के नोट छपते हैं तथा मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। देवास में एक साल में 265 करोड़ के नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस तथा 1 टकसाल मिल है। टकसाल मिल मुंबई, नोएडा, कोलकाता तथा हैदराबाद में है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेश से मंगाए जाते हैं। इंडिया के नोट में 3 जगह का पेपर यूज़ होता है। महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस CNP से आता है और दूसरा ज़्यादातर पेपर MP के होशंगाबाद मिल से तथा तीसरा कुछ पेपर विदेश से इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों नोट बनाने के लिए खास पोर्टल के पेपर और खास शाही का यूज़ होता है। ये शाही देवास के बैंक नोट प्रेस और शिव किम में स्विस फ्रॉम यूनिट में बनती है। अब बात करते हैं पैसे कैसे छपते हैं। विदेश से आए पेपर को
सीमेंटेन मशीन में डालते हैं, जिसके बाद इसे इंटोबा मशीन में डालते हैं, फिर मशीन से निकले नोटों की शीट पर अच्छे और ख़राब नोट अलग कर दिए जाते हैं। सही नोट पर नंबर डालकर एक एक नोट को चेक किया जाता है। ख़राब नोटों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, वहाँ से उनकी जाँच होती है तथा उसकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। दोस्तों, RBI के देश में 18 ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, वेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर तथा लखनऊ में हैं। यहीं से पैसे बैंकों में जाते हैं तथा लोगों तक पैसे पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आपको करेंसी से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिल गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रेत से कांच कैसे बनता है। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।